मेरे पापा सोते सोते मारते हैं खर्राटा, मैं आज बनाऊंगी मेथी का पराठा। तो इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरी सारी रेसिपी की तरह। तो सबसे पहले मैंने लिया है आटा, ठीक है। आटा आप उतने क्वांटिटी में ले जितने लोग इसे खाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डाला है हींग और अजवाइन, ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देगा, बहुत अच्छे से ये पचा कर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला है कलौंजी यानी मंगरेला, ठीक है। इसे भी आप अच्छे क्वांटिटी में यूज़ करें, ठीक है। ये तीनों बेसिक आइटम हो गए, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट यानी नमक, नमक भी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे उसमें धनिया, काफ़ी आज इको फ्रेंडली पराठा बनाएंगे, एकदम ग्रीन ग्रीन, तो इसमें यूज़ होगा धनिया और मेथी। मैंने मेथी अच्छे से धो लिया है, काट लिया है और इसमें डाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, ठीक है। स्प्रिंग अनियन अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, ये टेस्ट के आपको बढ़ाएगा। अगर आप वो सिंपल अनियन यूज़ करोगे ना तो आपको बेलने में तकलीफ़ होगी, इसीलिए रोटी फट जाएगी आपकी। और डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ठीक है। उसके बाद डालेंगे तीखा लाल, ठीक है, थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए, ठीक है। तो आप क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा मैंने कितना डाला है। उसके बाद सबको अच्छे से पानी से डो रेडी कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज़ और भूल रही हूँ, हल्दी देना, ठीक है। आप लोग हल्दी दे दीजिएगा, आगे मैं वीडियो में हल्दी दे दूँगी, ठीक है। तो हल्दी से भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए मैंने हल्दी यहाँ पर डाल दिया, अब इसको अच्छे से एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे, ठीक है। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके, सर्दियों में मेथी का पराठा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये आपके बॉडी को गर्म रखता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, आज है 31 दिसंबर और ये साल का आखिरी रेसिपी है, ठीक है। अब जो रेसिपी आएगी सब 1 जनवरी वाली आएगी, ठीक है, न्यू ईयर वाली आएगी। तो इसको अच्छे से मैं डो बना रही हूँ, डो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है मुझे, और मुझे एकदम नहीं पसंद ये डो बनाना किसी भी चीज़ का। तो फाइनली ये डो हमारा बन गया है, बहुत ही अच्छा कलरफुल सा डो बना है, ठीक है। अब फटाफट इसका पराठा रेडी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इसमें डालेंगे सूखा आटा और इसको अच्छे से बेल लेंगे। आप जैसे नॉर्मली रोटी बेलते हो बस आपको वैसे ही बेलना है, ठीक है, अच्छे से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि मैं छोटा बना रही हूँ तो आप भी छोटा ही बनाओ, आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, जैसा ही बना सकते हो। अच्छे से इसको बेल लीजिए और इसको फ्राई करना है। आप किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हो जो आप यूज़ करते हो, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, किसी भी ऑयल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिफाइंड ऑयल, मैंने यार रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। एक तरफ अच्छे से पक गया है, इतना जल्दी नहीं पलटना है, वीडियो थोड़ा फास्ट है इसीलिए आपको अच्छे से पकने के लिए देना है। जैसे आप नॉर्मली पराठा बनाते हो, आलू का पराठा, सत्तू का पराठा, वैसे ही इसे यूज़, बस वैसे ही इसे बनाना है। तो तेल लगा दिया है मैंने दोनों तरफ, थोड़ा ही थोड़ा तेल लगाना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है, अभी हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। इसको खाइए आप रायते के साथ या अचार के साथ, चटनी के साथ, जिस किसी के भी साथ। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं तो जाके विजिट कीजिए। थैंक यू।